ग्रामर मध्ये प्रोनाउन टॉपिक घेतो मी. ओके, प्रोनाउन्स पहा. मी आता तुम्हाला काय प्रश्न झाले प्रोनाउन बद्दल. ग्रामर टॉपिक असा आहे, फिफ्थ टू टेन्थ आणि ट्वेल्थ पर्यंत मी तुम्हाला कालच म्हणलो, ग्रॅज्युएट पर्यंत हा टॉपिक बदलत नाही. ग्रॅज्युएट पर्यंत बदलत नाही. मी कालच पंकजकडे छान वही बघितली, जपून ठेवायच्या नोटबुक, पण टाइमवर ठेवायच्या. पण कसं आहे, जर प्रेझेन्स ऑफ माइंड जर तुम्हाला कोणी विचारलं तर तुम्हाला ते ग्रामर आलं पाहिजे, रूल्स माहीत पाहिजेत. त्यावेळी प्रोनाउन्स, प्रोनाउन मध्ये मी काल तुम्हाला टॉपिक दिले होते, प्रोनाउन्स मीन्स सर्वनाम. थोडक्यात हिंदी ओके, प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम. बघ प्रोनाउन्स किती आहे टोटल, टोटल मी तुम्हाला काल जवळपास 9 ते 10 दिले होते. नंबर एक पर्सनल प्रोनाउन्स, तुम्ही 10 वेळा लिहून घ्या पटकन. नंबर वन हेडिंग टाका टाइप्स ऑफ प्रोनाउन्स. नंबर वन पर्सनल प्रोनाउन्स, पर्सनल प्रोनाउन्स. नंबर टू डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन्स. पर्सनल प्रोनाउन का मीनिंग होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन्स का मीनिंग होता है दर्शक सर्वनाम. मराठी या हिंदी की जरूरत नहीं है, इंग्लिश में लर्न होता बहुत. ओके, थर्ड है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन्स, प्रश्नार्थक सर्वनाम. उसके बाद पजेसिव प्रोनाउन्स, यस पजेसिव प्रोनाउन, मालकी हक्क. ओके, पजेसिव प्रोनाउन. उसके बाद इम्पैटिक प्रोनाउन्स. हाँ स्वामी लिहून टाका पटापट, इम्पैटिक प्रोनाउन्स. मैंने पहले बताया पर्सनल प्रोनाउन्स, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन्स, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन्स, पजेसिव प्रोनाउन्स, इम्पैटिक प्रोनाउन्स. ओके, इम्पैटिक प्रोनाउन्स. उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन्स. हाँ रिलेटिव प्रोनाउन्स, उसका हमारा हिंदी मराठी मीनिंग संबंधी सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन्स. उसके बाद इनडेफिनेट प्रोनाउन्स, यस इनडेफिनेट प्रोनाउन्स, अनिश्चित सर्वनाम, इनडेफिनेट प्रोनाउन्स, यस करेक्ट इनडेफिनेट प्रोनाउन्स. उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन्स, यस विभाजक सर्वनाम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन्स. उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन्स, आत्मवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन्स. प्रथम नसतील तर लिहून घ्यायचा, माहित नसेल पाठांतर ठेवायचं, सुपर सबको याद रखना चाहिए. मी कुणालाही विचारू शकतो आणि प्रत्येकाला उत्तर आले पाहिजेत. तुम्हाला मी टीच करता सोबत लाईव्ह चालू आहे, जर उत्तर आलं नाही तर त्याचे परिणाम तुम्हाला नंतर माहिती आहेत आणि ते पण लाईव्ह असतील. याद रखा, कारण तुम्हाला सांगलं पद्धतशीरित्या तुम्ही, मी जे टीच करतोय खरंच वन टाइम आपल्या कुठल्याही स्टुडंटला प्रोनाउन टॉपिक हा असा मागे राहिला नाही पाहिजे. कोणता टॉपिक मी जे टीच केला त्याचं आपण काम भरपूर करू ना, पण परत परत नाही करायचं, वन टाइम आहे. नंबर एक ओके. हा आणि बदल चला पुढे एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन्स, उद्गारवाचक सर्वनाम. ओके, ये हो गए थे कल टाइप्स ऑफ प्रोनाउन्स. और कुछ रहा क्या? नहीं. ओके, तो मैंने कल बताया था पर्सनल प्रोनाउन्स, मैंने बताया था पर्सनल प्रोनाउन्स में क्या आता है, पर्सनल प्रोनाउन्स में क्या आता है. तो पर्सनल प्रोनाउन्स, पहला पर्सनल प्रोनाउन्स में क्या आता है, पर्सनल प्रोनाउन्स, इसमें कौन कौन से प्रोनाउन्स आते हैं? तनु बोलो मुझे. यस आई, वी, यू, यू, हाँ उसके बाद हाँ यू, ही, सी, ईट, दे. ओके ओके, हाँ पहला कौन सा होगा? आई. उसके बाद वी, उसके बाद यू, उसके बाद ही,
इसके बाद शी, इसके बाद ई, इसके बाद दे। कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7 और कुछ? यू। हाँ यू, ओके। ये पर्सनल प्रोनाउंस, ओके। ये पर्सनल प्रोनाउंस हम क्या सेंटेंस में सब्जेक्ट कहकर यूज करते, सब्जेक्ट, ठीक है, मेन सब्जेक्ट, पर्सनल प्रोनाउंस। अब डेली यूज करते हैं क्योंकि सेंटेंस है, पर्सनल प्रोनाउंस नेम ही यूज करते हैं, बरोबर है। पर्सनल प्रोनाउंस एकदम डोक्यात ठेवायचं, एवढे तुम्हाला सर्वनाम आलेच पाहिजेत। आणि हां, काल जेव्हा मी पर्सनल प्रोनाउंस टीच करत होतो तेव्हा तुम्हाला एक सांगायचं विसरलो होतो, आता सांगतो। इथं जो हे पर्सनल प्रोनाउंस आपण सब्जेक्ट म्हणून वापरतो, पण हे नॉमिनेटिव्ह केस आहे। काय आहे? नॉमिनेटिव्ह केस। प्रथम याची जर ऑब्जेक्ट केस वापरलं, ऑब्जेक्टिव्ह केस, म्हणजे द्वितीय हे जर वापरली, हे सुद्धा पर्सनल प्रोनाउंस होतात, पण याचे ऑब्जेक्टिव्ह केस म्हणजेच आय का मी, ये भी पर्सनल में आते लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में आते। कौन से आते? ऑब्जेक्टिव केस में। वी का अस, यू का यू, ही का ही, ओके हिम, शी का हर, इट का इट्स, और दे का दे, और यू का यू। ये क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। ये भी पर्सनल प्रोनाउंस है लेकिन कैसे यूज किया जाता है? ऑब्जेक्टिव केस में यूज किया जाता है। और मैंने चेन दवाई पढ़ा है, चेन दवाई में सब हम ये ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउंस यूज करते हैं, है कि नहीं? चलो ये हुआ, अभी सेकंड लिखो, चलो जल्दी पूरे देना है। अभी सेकंड क्या है? सेकंड डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। सेकंड कौन सा है? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। चलो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। चलो दर्शक सर्वनाम, दर्शक सर्वनाम, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, दर्शक सर्वनाम। क्या क्या था इसमें? चलो दिस और those, what? दिस का दिस सिंगुलर है, दिस का प्लूरल क्या होता है? दीज, ओके। और दैट, दैट का प्लूरल क्या होता है? दोज। इतने ही है बस, ओके। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस इतने ही। दर्शक दैट इज वन, सिर्फ क्या कर रहा है? दिखा रहे दैट इज वन, दीज आर बॉयज, दोज आर बॉयज, दिखा रहा है सिर्फ ना, चीजें को दिखाना है, दिखाना है आपको, उस चीजों को दिखाना है आपको, ओके। उसे कहते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। चलो आगे, मैंने कल दिए थी है। आगे नेक्स्ट कौन सा है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इसके सेंटेंस हम बाद में बनेंगे पूरे। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस मीन्स प्रश्नार्थक सर्वनाम, प्रश्नार्थक सर्वनाम। चलो ठीक है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, प्रश्नार्थक सर्वनाम, इसमें कौन कौन से आते हैं? पूरे डब्ल्यू एच वर्ड आते, पूरे पूरे। आपको बताओ इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में क्या आते हैं? पूरे डब्ल्यू एच वर्ड, व्हाट, हू, व्हाई, लिखो चलो सब लिखो, अस्मिता स्वामी लिख के लो, चलो व्हाट, मैं बोर्ड पे नहीं लिखता, चलो व्हाट, हू, व्हाई, व्हेन, हूज, Which? Where? नहीं आता उसमें? How? Which? How? Whom? Where? हाँ, where आता है? Where है क्या? हाँ. Yes आता है. Where? Where? Why? How? Who's? हाँ? Who's? Who's हो गया? Who's हो गया? Which? 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 हो गया कितने लिखे तुमने? आपने कितने लिखे? हाँ. What? अबे count करो. What? Why? Who? When? Whose? Whom? How? Where? और कुछ? Which? हाँ, which? Which? ये सब क्या है? कौन से? Interrogative pronouns. क्या है? Interrogative. क्या है? Interrogative pronouns. क्या है इसमें? Interrogative. Interrogative pronouns. Okay? उसके बाद आगे
पजेसिव प्रोनाउन कौन डरो फोर्थ नंबर का पजेसिव प्रोनाउन पजेसिव प्रोनाउन पजेसिव प्रोनाउन लिखो डेफिनेशन लिखो चलो इट शो पजेशन इट शो पजेशन ओके बिलोंगिंग एंड इंडिकेट्स that something belongs to someone. Okay, it show possession, belonging, and indicate that something belong to someone. Okay, इसमें words कौन से कौन से आते हैं words अभी ये इसमें वर्ड्स लिखो पजेसिव प्रोनाउन में वर्ड्स कौन से आते हैं वर्ड्स सच एज माइन क्या आता है माइन मेरा आवर्स उसमें कौन सा प्रोनाउन था देखो माइन आता है आवर्स आता है उसके बाद यूअर्स हियर्स हीज हियर हाँ अरे हर्ष रे ए हियर से अरे हर्ष इट्स और देयर्स वेरी गुड देयर्स इसमें क्या है पजेशन है पजेशन ओके इसमें क्या है पजेशन है पजेशन ओके देखो इसमें मालकी है मालकी है कि नहीं अब देखो ना यूअर्स बुक यानी तुम्हारा बुक है कि नहीं माइंड बुक मेरा बुक है ये यूअर्स बुक हर्स बुक देखो जब ऑब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस जो है ना हमारे उसमें यस लगाना पड़ता है क्या लगाना पड़ता है यस लगाना पड़ता है ठीक है सिर्फ हित को नहीं लगाता यहां पे नहीं लगता हित को लगता माइन यहां पे नहीं लगता आवर्स को लगाया यूअर्स को लगाया हर्स को लगाया इट्स को लगाया और देयर्स को या हिज और माइन को नहीं अस्मिता समझ में ये कौन से प्रोनाउंस है पजेसिव प्रोनाउंस कौन से पजेसिव प्रोनाउंस इसके सेंटेंस देता हूं दो तीन लिखो डायरेक्ट बोलता हूं द न्यू कार हुआ क्या द न्यू कार ये हुआ क्या आपका हुआ ना द न्यू कार दैट She came in his horse. In his horse. इसका मीनिंग क्या होता है सेंटेंस का बोलो कौन बताएगा इसका मीनिंग इस सेंटेंस का हाँ समझ नहीं अरे मीनिंग अरे वो जो कार आ गई ना वो कोला है उसकी है ना वो आई वाली कार किसकी है उसकी है हाँ उसकी मालकी गए अरे नेक्स्ट पोजिशन प्रोनाउन चलो ठीक है अभी दे रहा हूं मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आपके फोर्थ नंबर का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ओके डिस्ट्रीब्यूटिव
प्रोनाउन, ठीक है, यानी मराठी में इसका मीनिंग क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन्स, विभाजक सर्वनाम। चलो इसमें लिखो कौन कौन से आते, इच कॉमा आइदर एंड नाइदर, इच आइदर एंड नाइदर, एनी नन नो वन आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। प्रोनाउंस बिकॉज दे रेफर टू पर्सन, दे रेफर टू पर्सन्स और थिंग्स वन एट अ टाइम। ओके, कौन कौन से, ईच आइदर एंड नाइदर एनी नन एंड नो वन, इतने नन नो वन। ओके, ये दिस इज कौन से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। देखो तुम ईच, ईच का मीनिंग होता है प्रत्येक, हर स्टूडेंट ने पढ़ाई करनी चाहिए, यानी जो 50 बच्चे 50 स्टूडेंट है उसमें के हर बच्चे ने क्या करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, यानी ईच स्टूडेंट है कि नहीं, ईच स्टूडेंट हैव टू स्टडी इन हिज लाइफ। ओके, ईच स्टूडेंट स्टडी हैव टू स्टडी, सेंटेंस लिख सकते हो, और कुछ सेंटेंस बता सकते हो मुझे, चलो और इसका मीनिंग क्या होता है, मैं आगे पढ़ाने वाला ग्रामर में, आइदर नॉर और नाइदर नॉर, आइदर नॉर का क्या अर्थ क्या होता है, दो में से एक, आइदर नॉर का अर्थ क्या होता है, दो में से एक, आइदर और नाइदर नॉर का मीनिंग क्या होता है, दोनों में से कोई भी नहीं, नॉर नाइदर नॉर, दोनों में से कोई भी नहीं। ओके, नहीं हाँ नन ऑफ दिस, हाँ वही, और उसके बाद ये वाला अपना यानी हाँ चॉइस, एनी में कोई भी आओ, एनी स्टूडेंट कम हियर, नॉट वरी, ओके चॉइस, उसके बाद नन मीन्स कोई भी नहीं, एक भी नहीं, नन ऑफ दिस, यानी इसमें कोई भी ऑप्शन उपलब्ध नहीं, हाँ ए नहीं बी नहीं सी नहीं, नन ऑफ दिस इसका मतलब कोई भी ऑप्शन नहीं है, हाँ नो वन मीन्स कोई भी एक नहीं, सबको आना पड़ेगा, यू विल हैव टू कम हियर, हाँ 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 ओके करेक्ट, हाँ आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बिकॉज दे रेफर टू पर्सन्स और थिंग्स वन एट अ टाइम। डेफिनेशन लर्न करो, ओके डेफिनेशन दन 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 लर्न करोगे, ओके क्लियर कंप्लीट। कौन सा है ये प्रोनाउंस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, ईच मीन्स प्रत्येक, ईच मीन्स प्रत्येक, देखो अगर इतने बच्चे तो इसमें से मुझे एक को ही बुलाना पड़ेगा, या आपको कुछ ना कुछ काम है तो मुझे कहना पड़ता कि सब बच्चों को करना पड़ेगा, यानी ईच स्टूडेंट्स कम हियर, मतलब प्रत्येक स्टूडेंट या हर स्टूडेंट आओ, सब आओ, ओके चलो और कुछ दुखा उसके सेंटेंस लिखो, ईच डोनेट्स, एक सेंटेंस लिखो यहां पे, एग्जाम्पल लिखो, ईच डिनोट्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये सूचना डू नो, ईच डिनोट्स एवरी वन
ऑफ थिंग और पर्सन, इसके लिए यूज किया जाता है। ओके समझ में आया, लिख के दे रहा हूं। ईच डिनोट, डिनोट भी निर्देशित करती है। ओके ईच डिनोट्स एवरी वन ऑफ थिंग्स और पर्सन, ईच डिनोट्स एवरी वन ऑफ थिंग्स और पर्सन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। ओके चलो, एक एग्जांपल दो। एनी ऑफ देम, एनी ऑफ देम कैन अटेंड, एनी ऑफ देम अटेंड, एनी ऑफ देम कैन अटेंड द मीटिंग, द मीटिंग। समझ में कौन सा है? एनी, राइट। ओके एनी ऑफ देम, एनी ऑफ देम उसमें से कोई भी, एनी ऑफ देम कैन अटेंड द मीटिंग, उसमें से कोई भी मीटिंग अटेंड कर सकता है। एनी ऑफ देम कैन अटेंड द मीटिंग। ओके चलो आगे और एक दो। एवरी कमिटी एवरी कमिटी मेंबर एग्री, एवरी कमिटी मेंबर एग्री टू द प्रपोजल, टू द प्रपोजल बाय एवरी कमिटी मेंबर। यहां पे एवरी वर्ड क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव। एवरी वर्ड क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव। एवरी कमिटी मेंबर एग्री टू द प्रपोजल। ओके एवरी कमिटी मेंबर एग्री टू द प्रपोजल। क्लियर? एवरी, एनी, नो, आइदर, नाइदर, नो वन, नन, हाँ टेल एग्जांपल नंबर वन, ईच, आइदर, नाइदर, एनी वन, नो वन। ओके इसमें समवन भी आता है ना, इसमें समवन भी आता है। ठीक है तो ये कौन से प्रोनाउन है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। कौन से? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। ओके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, सॉरी समवन नहीं आता, समवन इंडिपेंडेंट में आएगा, मत लिखो। समवन किस में आएगा? इनडेफिनेट में आएगा। ओके समवन किस में आएगा? इनडेफिनेट में। ओके क्लियर। नेक्स्ट एक लिखो और इनडेफिनेट प्रोनाउंस लिखो। इनडेफिनेट प्रोनाउंस, इनडेफिनेट प्रोनाउंस, इनडेफिनेट प्रोनाउंस। ओके इनडेफिनेट प्रोनाउंस चलो ठीक है। कौन सा कलर है? सिक्स। इनडेफिनेट प्रोनाउंस, ठीक है इनडेफिनेट प्रोनाउंस। इसमें कौन कौन से देखो, मैं पहले डेफिनेशन देता हूं। इट रेफर्स टू पर्सन, इट रेफर्स टू पर्सन्स और थिंग्स इन जनरली वे, इन जनरल वे बट डज नॉट स्टैंड,
does not stand for particular person, for particular person or things. ठीक है, देखो ये ड्रेपर्स, ये कैंडिडेट करते हैं, ये प्रोनाउंस, ये रेफर टू पर्सन और थिंग्स इन जनरल वे बट डज नॉट स्टैंड फॉर पर्टिकुलर पर्सन और थिंग. हम डेफिनेट कह नहीं सकते कि यही है, यही है, डेफिनेट निश्चित नहीं कह सकते, इसलिए कहते हैं इसे इनडेफिनेट प्रोनाउंस. क्या कहते हैं उसे? इनडेफिनेट प्रोनाउंस. ओके, इसके एग्जाम्पल देता हूं कुछ, लिखो इसके एग्जाम्पल देता हूं मैं कुछ. द वर्ड, इसमें कौन से एग्जाम्पल आते, देखो द वर्ड्स नोबडी, नोबडी कोई भी नहीं, कोई पता नहीं चलता ना, नोबडी. उसके बाद एवरीबडी, उसके बाद समबडी, उसके बाद अदर्स वन, उसके बाद समवन. ठीक है, तो ये क्या है? द वर्ड नोबडी, एवरीबडी, समबडी, अदर्स वन एंड समवन्स. दिस वर्ड रेफर टू द विच प्रोनाउंस? इनडेफिनेट प्रोनाउंस. ओके, इनडेफिनेट प्रोनाउंस. ठीक है, अस्मिता फ्रेंड्स है, चलो इनडेफिनेट प्रोनाउंस कंप्लीट. वन सेंटेंस लिखो, एवरीबडी, एवरीबडी राइट डाउन सेंटेंस प्लीज. वन लिख सकते हैं बोर्ड पे, लिखो एवरीबडी, इधर रखता हूं, हाँ, एवरीबडी, एवरीबडी बोर्ड पे लिखो, क्या क्या बताऊं, हाँ, एवरीबडी केप्ट, केईपीटी, एवरीबडी केप्ट क्वाइट, एवरीबडी केप्ट क्वाइट, everybody kept quiet means kept ka meaning kya hota hai, everybody kept quiet means, everybody kept quiet means har ko shant baith, ha sab ko shant baith, sab shant baith gaye, kya hua kept na, uska second form hai na, simple past hai ki likha hai kya sanu likha hai ki nahi, good, everybody kept quiet. और एक सेंटेंस लिखो उसके बारे में, चलो समवन, समवन ब्रॉट ब्रिंग का सेकंड फॉर्म, हाँ ब्रिंग, ब्रिंग पता है ना आपको, ब्रिंग का फर्स्ट फॉर्म ब्रिंग, ब्रॉट गॉट, ओके सेकंड फॉर्म क्या होता है गॉट, हाँ, समवन ब्रॉट फूड, समवन ब्रॉट फूड, पैकेट्स, समवन ब्रॉट फूड पॉकेट्स फॉर अस, फॉर अस, समवन, समवन ब्रॉट फूड और पॉकेट्स फॉर अस, हमारे लिए किसी ने, कोई किसी ने तो क्या लाए, कुछ फूड और पॉकेट्स लाए, इसका मतलब क्या होता है, उसका नाम पता नहीं, पता है क्या नहीं. नाम पता है क्या हम कह सकते क्या वो फीमेल है मेल है, कुछ कह सकते क्या नहीं कह सकते, उसे कह सकते क्या नहीं, नहीं. तो ये प्रोनाउंस कौन सा है, इनडेफिनेट प्रोनाउंस, कौन सा है, इनडेफिनेट प्रोनाउंस. एक हाथ लगे कौन सा प्रोनाउन चांद, हाँ इनडेफिनेट प्रोनाउंस, तेजल को ओके चलो, ये हो गए इनडेफिनेट प्रोनाउंस. और कौन कितने रह गए यहां इसमें, ओके सर वातावरण डिपेंड, ओके 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 ठीक है, आजचा क्लास आपण थांबू, उद्या नेक्स्ट, हां या समोरचे आपल्याला किती राहिले, पण चार राहिले, ओके ते चार कंप्लीट करू, ठीक आहे, धन्यवाद.
अप कर, 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 अप कर